Hello class, how are you today? My name is Mr. Jitendra Dubey and I am from Delhi. I am your new geography teacher. I will be teaching you Indian geography this session. Right now, time to begin. Let's begin our lesson now. So settle down now so we can start. I will cover all, Indian geography in only three lectures. This is first lecture. After that, I will provide you two more lectures right now. And if you want to watch all three lectures of Indian geography, then you should go on study channels. Because study channel provides you lots of rich materials of all subjects, such as history, polity, economy, geography, mathematics, reasoning, English, Hindi, physics, chemistry, biology, and some more important subjects, which is important for the examination, for the competitive examination right now. Then it is my suggestion for you, you should go on study channels and watch some videos of these channels. Thereafter you should take any decision that's really that video was helpful for you or not. Okay. तो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बात हो रही है, उनमें जहाँ जहाँ भी इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर में कन्वर्ट करके रखा गया है राइट नाउ. तो यदि आप इस तीन लेक्चर्स को, इंडियन ज्योग्राफी के तीनों लेक्चर्स को देख लेते हो, तो इससे आपको दो फायदा होगा. पहला कि आप रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लोगे, और सेकंड आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन में कमीशन जो किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, पूछ रहा है किस प्रकार से क्वेश्चन. देन इट इज माई सजेशन फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वॉच एवरी वीडियो एटलीस्ट 1 to 2 times. देयर आफ्टर यू विल एनालिसिस योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन और नॉट. राइट नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और इंडियन जियोग्राफी, हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का. तो क्षेत्रफल के बारे में, भारत के बारे में सही कथन है, भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है. 82.5 degrees मीन 82.5 degrees पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को निर्धारित करने के लिए किया जाता है. भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत. भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. भारतवर्ष में गांवों की संख्या 640,930 जनगणना 2011 के अनुसार है. ओके, अक्षांशीय विस्तार मीन लैटिट्यूडनल विस्तार देख रहे हैं कि भारत विस्तृत है 8.4 degrees 4 minutes से 37 उत्तर से 37 degrees 6 minutes उत्तरी अक्षांशों तथा 68 degrees 7 minutes पूर्वी देशांतर से 97.25 degrees पूर्वी देशांतरों के मध्य. भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा. सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरता है राजस्थान से. जिस जिले से 70 degrees पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर, राजस्थान का जिला है. ओके, तो भारत एवं कर्क रेखा का कॉम्बिनेशन, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से जाती है. कर्क है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. भारत की कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से. अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर नगर है, इस ऑप्शन में से गांधीनगर. दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता. भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23.5 degrees नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा कैंसर बोलते हैं इसे. झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर. हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी, इस ऑप्शन में दिल्ली में. मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है अर्ली मॉर्निंग, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है 172 degrees 30 minutes पूर्व. गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, 2 घंटे का. ओके, 2 hours. औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है. रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद चारों MP के जिले हैं.
में से भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST देशांतर के निकटतम सारोगार रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका का स्थानीय समय होगा 10:38 राइट नाउ। यदि भारतीय मानक समय यानी उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14:30 यानी दोपहर के 2:30 बजे होंगे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यानी उत्तर नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र में भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद से। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मानक समय GMT ग्रीनविच मेन टाइम में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे लगभग प्रातः में। हाँ जी, दूरस्थ बिंदु, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गौरमोता गुजरात में। सीमावर्ती देश असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम और भूटान, असम जो है ये 2 देशों से लगा है, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है, इसका मतलब मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है मेघालय की, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है वह है अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश ही अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड, यानी कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं असम, मेघालय और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा। ड्यूरेंट लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत का पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है पर्वतीय सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य द्वारा। नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं सिक्किम। तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। भौतिक विभाजन, भारत की प्राकृतिक प्रदेश, भारत से उपबंध चुपुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवानालैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पातालतोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव होता कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समाभिनति में हुई, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगति में हुई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। ओके, हाँ, दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन में बना, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में बना और अरावली प्री कैम्ब्रियन में, जबकि नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन में। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है राइट नाउ। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश,
हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, राइट। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ओके। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। यह रचना समानांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की रचना है 850 to 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमालय प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश की, जबकि है उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की, ओके। हिमालय के तरुण वलित पर्वत इंग्लिश नवीन मोड़दार पर्वत यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गठ युग्माओं वाले नदी मार्ग समानांतर पर्वत श्रेणियां भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ओके। ये चार पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये पहला जो है ये कराकोरम है, कराकोरम, और ये है लद्दाख, ओके। देन जास्कर, देन पीर पंजाल, राइट ना। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम होगा। शिवालिक, लघु हिमालय तथा महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम, ओके। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख, देन कराकोरम, साउथ टू नॉर्थवर्ड। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊपन होना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियां हिमालय। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है त्रिपुरा, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम संलग्न है पटकाई पहाड़ियों में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 1848 मीटर है। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, ओके। दक्षिणी एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित हैं राजस्थान में। अरावली श्रेणियों यानी अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है नलामलाई, जावादी, नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ओके। नीलगिरी पर्वत माला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल, नगा पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ।
कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं में उपस्थित हैं वह हैं केरल एवं तमिलनाडु। सेमराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों एवं सतपाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडव पहाड़ी, जबकि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतपाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं। पहाड़ियाँ और क्षेत्र। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिगिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धोपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ी यहाँ भाग हैं पूर्वी घाट एवं महेंद्र पर्वत का। पर्वत चोटियाँ यानी पीक्स। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गॉडविन आस्टिन। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरुशिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उत्तर का उच्चतम शिखर है गुरुशिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही अनुक्रम है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ओके, गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। गोसाई थान भारत में नहीं है। ओके, माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, पालनी पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियों पर और शिमला धौरा श्रेणी में। घाटियाँ, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा बीर पंजाल। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में, घाटी और राज्य। मरखा घाटी जम्मू एंड कश्मीर में, जुकू घाटी नागालैंड में, शांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और योथांग घाटी सिक्किम में। मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरक कडाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों में से उद्भूत होती है। दर्रे, सेला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा। पहाड़ी दर्रा और राज्य माणा उत्तराखंड में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में, बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में, नाथुला सिक्किम और नीति उत्तराखंड में। राइट, पर्वतीय दर्रा और राज्य बुमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेबला सिक्किम में, मोलिंगला उत्तराखंड में और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। ला का मतलब होता है दर्रा यानी पहाड़ी, जो मार्ग होते हैं कट के जाते हैं उन्हें बोलते हैं ला दर्रा या पास। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम है सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला एंड बोमरीला। हिमरेखा एवं हिमनद, हिमालय में हिमरेखा है 4300 to 6000 मीटर के बीच पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चौरा बाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। पठार यानी प्लेट्यू, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। ओके, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिद्दा धनबाद है। उत्खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर। मैप क्लियर नहीं हो पाया बट इसमें रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान और छोटा नागपुर था पठार था छाया वर्षा छाया क्षेत्र दिया गया है बट इट इज नॉट क्लियर हियर। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पठार हैं मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। तटीय भाग भारत की तटीय तट रेखा देखेंगे कि भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य का। भारत के तटरेखा से लगे राज्य हैं 9,
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। पश्चिमी तट देख रहे हैं, भारत के पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जांजीरा एंड सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है जांजीरा, कन्नूर, नागरकोइल एंड सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग तमिलनाडु तट के बारे में आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सोनी सड़कें और उजड़ तड़ाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं, बन जाते हैं। इस सूक्त से वर्णित स्थान है तमिलनाडु का तट। यस, अंतरजलीय उच्चावच रेखा है ये जो दिखा रही है, अंतरजलीय उच्चावच रेखा। जांजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं जंजीरा और उडुपी। जंजीरा और उडुपी पश्चिमी तट पे हैं। सागरपुली नौ राज्य, दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में और मरीना तमिलनाडु में। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी को। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 220। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में इसमें पृथक किया जाता है अंडमान एवं निकोबार को। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकड़। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है बैरन द्वीप का। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु या एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुष कोड़ी से। अरब सागर के द्वीप समूह, लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में है 36 आइलैंड्स द्वीप, भटकल, अर्नाला, मेनिको एंड हेनरी द्वीपों में से। भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मेनिको द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम द्वीप। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। द्वीप में आइलैंड अवस्थिति, वयंत सयोधर जो है कच्छ की खाड़ी में है, पीरम खंभात की खाड़ी में, राइट, द्वारका अरब सागर तट पर और दीव जो है काठियावाड़ तट पर है। कोरी क्रिक यानी कि निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में, जबकि सर्पिक विवाद भारत और पाकिस्तान के देशों के मध्य है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य लातूर जिला महाराष्ट्र का है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल या पाट रीजन अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया यानी रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। भारत में कुछ लोग लटकी हुई गाद इन इंग्लिश सिल्ट के से बंधे अपतन यानी व्हील्स और शर्ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फूमरी। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को और सिलिकॉन वैली स्थित है बंगलुरु में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, राइट। यस, छत्तीसगढ़ मैदान है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। वृश्चिक छाया प्रदेश महाराष्ट्र में और मालानाड कर्नाटक में है। अम्बाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं खुर्जा, करनाल और रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद उपक्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है पांच राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के चार बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में सही क्रम है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक देन तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखंड राज्यों के क्षेत्रफल में सबसे छोटा है उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन तीन राज्यों में समाहित है ये तीन राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार। यूपी के बारे में कि यूपी के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी टच करता है। तो असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा अवैनिष्ठ नहीं है बिहार से, जबकि छत्तीसगढ़ की सीमा अवैनिष्ठ है महाराष्ट्र और ओडिशा से, सॉरी छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश से भी अवैनिष्ठ है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एंड बंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम होगी बंगलुरु की इस ऑप्शन में। राजस्थान के क्षेत्रफल के लिए सही कथन है कि राजस्थान विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 ईयर पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40-60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए हुए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तर राजस्थान से होकर गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश का 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी कुर्नूल। सबसे अधिक जिले हैं यूपी में, 75+ डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र एंड कर्नाटक। डेटा चेंज हो चुका है क्योंकि तेलंगाना बाइफर्केट हो चुका है आंध्र से। दैट्स व्हाई इट इज माय सजेशन फॉर यू शुड वॉच सम वीडियोज फॉर द करेक्ट अफेयर्स ऑफ आंध्र एंड तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सीमा बना रहता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अब राज्यों की संख्या ध्यान देना, अभी तक के लेटेस्ट डेटा में 28 है, 29 नहीं। मिजोरम की राजधानी आइजोल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु था गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नहीं है बंगलुरु, जबकि चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानियां हैं। ओके, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलांग राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7, डेटा ओल्ड है, लेटेस्ट डेटा में क्या है, कितने हैं देख लेते हैं। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, छठा पुदुचेरी, ओके, सातवां लक्षद्वीप और आठवां बना है दमन और दीव तथा अंडमान दादरा एंड नगर हवेली, यानी टोटल यूनियन टेरिटरी हो गई है 8। इट इज द लेटेस्ट डेटा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एंड आंध्र प्रदेश राज्यों में। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा नहीं है, तो फिर दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव के बारे में है कि दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। दमन और दीव की राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी है दादरा एंड नगर हवेली को, तो यही देखिए दमन और दीव और तथा दादरा नगर हवेली को एक में मर्ज करके 2 यूटी को एक कर दिया गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, राइट, चंडीगढ़, ओके, लक्षद्वीप, चौथे में दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव को कर दिया गया है, पांचवा पुदुचेरी, छठा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, सातवां जम्मू एंड कश्मीर और आठवां लद्दाख। प्रजाति एवं जनजातियां, मंगोलाइड के बारे में बात हो रही है कि ये पीले वर्ण के हैं, तिर्यक नेत्र हैं, उठी हुई कपोल अस्थि है, छुटपुट केस और मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, ये मंगोलाइड जनों की बात हो रही है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है मंगोलाइड, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। भारत में जो एकमात्र मानवाब कवि पाया जाता है वह है असम का श्वेत भाव गिबन। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है हरियाणा। जनजातियां यानी ट्राइब्स और मूल राज्य थारू उत्तराखंड, भोटिया सिक्किम, मंडा झारखंड और कोल महाराष्ट्र। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश।
जनजाति और राज्य लिंबू, लिंबू जनजाति सिक्किम की है, कार्बी जनजाति असम की, डोंगरिया कोंद ओडिशा की और बोंडा जनजाति ओडिशा की है। अबोर गद्दी लेपचा एंड थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, बोडो निवासी इनहैबिटेंट्स हैं, इनहैबिटेंट्स हैं गारो पहाड़ियों के। गारो जनजाति है मेघालय असम एंड मिजोरम की। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय असम एंड मिजोरम राज्यों में। चेंचू लेपचा डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। मिजोरम में बस्ती स्वरूप स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। हाँ जी ओके। भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, खासी मेघालय की है, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, बिहू असम में, ओडम केरल, पोंगल तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब, गोवा में कोंकणी लैंग्वेज, खासी मेघालय, लेपचा सिक्किम में, अंगामी नागालैंड में, अपातानी अरुणाचल प्रदेश और भोटिया यूपी उत्तराखंड, भोगोंड मध्य प्रदेश। भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है ये जौनसारी उत्तराखंड की है, टोडा जो नीलगिरी पे है, फिर खास कोटा बोटा तिवान इरावा एवं नायर, ये नायर जो है जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं। जनजाति और निवास स्थान, ये देखिए भील राजस्थान में, संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में रहते हैं। और जनजातियाँ हैं बिरहोर झारखंड की है, भूटिया सिक्किम की, टोडा तमिलनाडु और सेंटिनलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, लेपचा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में और गारो मेघालय की जनजाति है। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वो निवासी हैं राजस्थान के। ओके अगेन जनजातियां यानी ट्राइब्स और निवास स्थान। जौनसारी उत्तराखंड की है, भील मध्य प्रदेश। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। पहाड़ी कोरबा जसपुर में है, एमपी की बात हो रही है, बैगा मंडला में, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में और सहरिया ग्वालियर में। मोपला केरल की है, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु और मुंडा झारखंड की। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है शेड्यूल ट्राइब्स एसटी। बुक्शा पौड़ी गढ़वाल में, कोल जबलपुर मध्य प्रदेश, मुंडा छोटा नागपुर, कोरबा छत्तीसगढ़। राज्य और जनजातियां तो असम की मीरी, कोन्याक नागालैंड की, अपतानी अरुणाचल प्रदेश और लंबाड़ा राजस्थान की है। जुलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में, राइट, छिंदवाड़ा में, भारिया गोंड जो है मंडला में, भील झाबुआ में और शहरिया शिवपुरी में। एमपी के जिलों में कौन कौन सी जनजातियां ये दिया गया है। लोहाशुर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। शोम्पेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी हैं अंडमान निकोबार के। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति है जारवा। मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग। ओके आमिया। भाषाएं लैंग्वेज। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है बांग्ला भाषा का। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। ओके ए बी सी डी। ये देखिए ब्रज है, ब्रज भाषी एरिया ये है, ये अवध भाषी है, अवधी भाषा ये है आपकी भोजपुरी और इसके इस साइड में राइट हैंड साइड में मैथिली बोली जाती है। अपवाह तंत्र गंगा नदी। देखिए गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, इट इज राइट हियर। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी पे है।
नदी के संगम पर अवस्थित है, जबकि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। या स्थल और नदियों का संगम, तो रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी पे, नंदप्रयाग अलकनंदा, ये रॉन्ग कुछ लग रहा है, ये भी बता रहे मंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर और देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी। यानी आपने देखा कि सभी में अलकनंदा है एक तरफ, दूसरी नदी याद कर लो आप, अलकनंदा जो है जो रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी पे है, नंदप्रयाग जो है वो मंदाकिनी दे रहे हैं, कर्णप्रयाग पिंडर पे है और देवप्रयाग भागीरथी पे है। तो अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। ओके मंदाकिनी नदी जो प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी, वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है रामगंगा, जबकि यमुना की सहायक नदियां हैं बेतवा, चंबल, केन। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदर पुंछ चोटी से, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है सोन बल्कि दाएं से मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। राइट नाउ यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिक तरण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी जो को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है शांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश, भारत है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं दिबांग, कमेंग, लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, दक्षिण भारत की नदियां। हाँ जी, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ओके ओके, या प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश इनिंग्स रिफ्ट वैली में विस्तृत है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह है विंध्य और सतपुड़ा। नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहती है, इट इज राइट। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वह नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। कृष्णा, गोदावरी, तापी एंड कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है तापी। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एंड कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। हाँ जी, रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी इंग्लिश फॉल्ट ट्रफ से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एंड महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। हाँ जी, वह नदी जो तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी रिवर। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह है कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के मध्य। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया गोदावरी और कृष्णा को। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एंड महानदी में से वह नदी जो एस्टुअरी बनाती है ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है।
गोदावरी, नर्मदा, महानदी एवं ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही अनुक्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं पेन्नार, कावेरी, देन वैगई। ओके आई एम हियर। ओके दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा, सोन नर्मदा था महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्टुअरी नहीं बनाती है महानदी, ओडिशा को में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदियां जिनके घाटों को घाटों में जल का अभाव है साबरमती तथा तापी के घाटों में। अमरकंटक की बात हो रही है, अमरकंटक वह स्थान अमरकंटक जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, वो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती और प्राणहिता। अन्य नदियां, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्रह्मपुत्र। कृष्णा नदी के सहायक नदी है कोयना, यरला, डीना, वर्णा, घाट प्रभा एक्सेट्रा। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिला में मध्य अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है किशनगंगा, गंगा, वैनगंगा, पैनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ये रिवर्स को दिया गया है कि यह है आपकी गंडक, अंडरस्टैंड गंडक, देन ये है आपकी गंगा और ये है गोमती और ये घाघरा। ओके दामोदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिनमें निम्नावरण डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। भारत में समभूमि बंधित नदी है लूनी। लूनी के संदर्भ में कि लूनी रिवर कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। माही, गग्गर, नर्मदा, कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है गग्गर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स करने वाली नदी है कोशी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनद में नहीं है कोशी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग परिवर्तन किया है वह आपदा की स्थिति उत्पन्न की कोशी। भारत की नदियां स्पीति, सतलज, स्योक, जास्कर, मेशे। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम है स्योक, जास्कर, स्पीति एंड सतलज। ओके संथाल परगना में लगने वाला डुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पे। दो राज्यों की पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की खेम बेतवा। यूपी एमपी राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है वह स्थित है बेतवा नदी पे। दक्कन दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल मनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्रा नदी और सहायक नदी। गोदावरी की मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। भीमा, कृष्णा की, तिस्ता, ब्रह्मपुत्रा की और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ओके अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है विहार नदी। नदियों के किनारे स्थित नगर
गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है मुशी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है माही नदी के तट पर। नगर और सीमावर्ती नदी बैतूल ताप्ती रिवर पर है। जगदलपुर इंद्रावती पे, जबलपुर नर्मदा कटक महानदी और नासिक गोदावरी और उज्जैन क्षिप्रा नदी पे। गोविंदघाट अवस्थित है अलकनंदा एंड लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। प्रपात मीन वाटरफॉल और झीले मीन लक्ष्य। हुनरू प्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पे। जल प्रपात और नदी कपिलधारा जल प्रपात नर्मदा पे। जोग प्रपात शरावती और शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी पे है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पे। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट प्रपात। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूधसागर प्रपात। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहकाली कई मेघालय। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 455 मीटर और वेम्बनाथ झील है केरल में। वेम्बनाथ झील है केरल में। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो कृत्रिम झील है। चिल्का झील जहां स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट पे। चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। लोकटक झील अवस्थित है मणिपुर राज्य में। दो भारतीय राज्यों की राजधानी वाली झील है पोलिकट। फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। लोनार झील है महाराष्ट्र की नक्की राजस्थान कोलेरू आंध्र प्रदेश। डल कश्मीर पोलिकट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु सीमा पर। असम में अवस्थित झील है चपनाला। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील श्रीनगर। झीले और अवस्थिति अष्टमुड़ी केरल पोलिकट तमिलनाडु रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जलवायु यानी क्लाइमेट मानसून देख रहे हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। हाँ जी, भारत का वह राज्य जहाँ मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वह है केरला साउथ इंडिया। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर निम्न महासागर से वायु का आकर्षण ड्राज करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट एरिया इट इज नॉट क्लियर हियर। भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर अभी समय लेह पड़ेगा लद्दाख में। भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी में की क्षमताप रेखा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। छायांकित क्षेत्र ये है जिसमें जुलाई माह के मध्य तापमान परिवर्तित हैं 25 to 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर इन विंटर सीजन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी भेदी तापन। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पर उसे पश्चिम की ओर घटती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से थल पर तापमान के बढ़ने से। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली अर्धवायु संहतियां या मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। वर्षा रेन भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम केरल एंड जम्मू एंड कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में।
ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, अजमेर और शिलांग। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये बात हो रही चेन्नई की। भारतीय नगरों पटना कोची कोलकाता एंड दिल्ली में से सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम कोची कोलकाता पटना और दिल्ली। आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर संबंधित है आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जो कि लद्दाख में है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता मंगलोर चेन्नई एंड दिल्ली में से सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। ओके, चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में नॉर्थ ईस्ट में। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। जब वह जल प्रबंध युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है वर्षा के जल का संचयन। भारत में औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होती है जम्मू एंड कश्मीर में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ओके, ये समझा। तो ये भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य दिया गया है 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ये इस वाले एरिया में जो कि हाईलाइटेड है, राइट। जब पुष्कर की पहाड़ी में राजस्थान में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, बालोतरा राजस्थान की बात हो रही थी। ये देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 आवर्स में 2.5 डिग्री में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेंगी, राइट। ओके, और अखिल भारतीय जल विभाजक, ये देखिए ये जो बन रहा है एरो जा रहा है, ये अखिल भारतीय जल विभाजक है ऐसे पूरा, यानी इसके इस साइड की नदियां सब इधर जाएंगी राइट ना, वेस्ट की तरफ, और इस लाइन की इस साइड की नदियां सारी नदी जाएंगी इधर ईस्ट की तरफ, राइट। तो जलवायु परिस्थितियां कारण कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, रीजन फॉर दैट अक्षांश लैटिट्यूड। नेक्स्ट, हिमालय में हिमपात होता है तुंगता की वजह से। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है समुद्र से दूरी की वजह से, और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी दाब की वजह से। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रामाणिक चिन्ह है मौसमी नदियों से जल का तटबंधी करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। देखिए, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिलों में 7 राज्य, आप इसे लेटेस्ट डेटा से मैच करा लेना, राइट ना। तो भारत में अंतर देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, शीतकालीन वर्षा। भारत के उत्तरी पश्चिमी उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। वह राज्य जिसके जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में। प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल कलामिटीज, ईयर 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था आंध्र प्रदेश, लेटेस्ट डेटा देखना। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है नई दिल्ली में। राइट नाउ देन आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन जियोग्राफी। इफ यू वांट टू वॉच ऑल 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी देन यू शुड गो ऑन स्टडी चैनल। You will get all 3 lectures, not only all 3 lectures of Indian geography or geography of India, but also you will get
lots of rich materials of another subjects. For example, economy, geography, polity, history, mathematics, reasoning, English, and such as these types of lot subjects, rich materials are available on Study Channel's playlist. You should go on Study Channel and watch some videos and get profit right now. Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe, and share my Study Channels and videos. Thank you so much in advance for this. Thanks a lot.